दोस्तों ये बातें थी। एक मकसद ये भी है कि मोहतरमा यशोमती ताई ठाकुर के एजाज में उनकी नाम से आज की शाम मुनक्किद की गई, वो जब आएंगी तो एजाज होता रहेगा। अब बाकायदा मुशायरे का आगाज करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उस खुदा बंदे जब्बार के नाम से, उसके जिक्र से, उसकी हमद के असार से करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग, जब तक मुशायरा चल रहा है, मैं पहली मरतबा आपकी समाज से टकरा रहा हूं, ना आप मुझे अजनबी समझिए ना मैं आपको अजनबी समझता हूं। जिस तरह मैं आप तक शेर पहुंचाऊं, आप हौसला अफजाई दादो तहसीन यहां तक पहुंचाएं। जो शोरा इकराम यहां पर आए हुए हैं, आप उन्हें भी अपनी मोहब्बतों से नवाजें। अमरावती की सरजमीन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नेट वगैरह पर हमने आपके यहाँ के मुशायरे देखे हैं, शहरोज गाजी, जावेद अशाती, जितने लोग मुशायरे करते हैं, यूब खान वगैरह, इन सब के मुशायरों को हमने देखा है। हमें पता है कि यहाँ बहुत ही बाजौक लोग मुशायरों में आते हैं, अदब सुनने वाले लोग मुशायरों में आते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना चाह रहा हूँ कि मुशायरे का आगाज है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सिर्फ पहला जब नात पाक पढ़ी जाए तो इस मुशायरे को इतना कामयाब कर दीजिए कि आखिरी शायर तक मुशायरा कहीं से भी कमजोरी का शिकार ना होने पाए। तो मैं नात के लिए आगे बढ़ रहा हूँ हमद के शेर से, आज के इस मुशायरे का आगाज करता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ अपने होने का सबूत दीजिएगा। वासी फारूकी कहते हैं, हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मुसर्रत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। आइए बाद अज़ हम्द व सनाए रब्बुल आलमीन चलें बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत की खैराज पेश करने के लिए, उस सरवरे कौनैन की बारगाह में चलें जहां से जिंदगी मिली, जिंदगी जीने का शऊर और सलीका मिला। उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। शायर कहता है कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। तू तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिलें, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिलें, आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिलें, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है। जरा सा मैं और बेदारी चाहता हूं, आप अब जो चार मिसरे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इस पर आप भरपूर तरह से तलब कर दाद दें। आप सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद करें ताकि मुझे महसूस हो जाए कि नात पाक के शायर को आपकी समातों के हवाले करना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में आपको, आपके दिलो दिमाग को मुअत्तर करना चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा हूँ और मैं आपकी तलब देखना चाहता हूँ चौथे मिसरे में। शायर कहता है, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। और नबी की नात की लज्जत मेरे वजूद में है, मेरी जुबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। नबी की नात की लज्जत, नबी की नात की लज्जत मेरे वजूद में है, मेरी जुबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। मैंने ये मिसरे इसलिए पढ़े कि मैं उस शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं, जिस शायर को पूरी कायनात, पूरी दुनिया में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के नाम पर मधु किया जाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना और नहायती नित नए मजामीन के साथ, नए तरन्नुम के साथ, नए अंदाज से सरकार की बारगाह में अपनी गुलामी और अपनी आजजी का सबूत देना, यह मोहतरम वाहिद अंसारी साहब का वतीरा रहा है। मैं बहुत ही अदब के साथ आज की इस महफिल में नात पाक के अशार पढ़ने के लिए मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ इन दो मिसरों के साथ, कि दुनिया तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है, दुनिया तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है। हमारे आज के इस मुशायरे में जो शायरात हैं मोहतरमा नकहत मुरादाबादी साहबा और मोहतरमा डॉक्टर कमर सुरूर साहबा, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आप
बेदार हैं नाते पाक के लिए शायर को बुलवा लिया जाए, पूरी तरह बेदार हैं आप कि अभी देखने में मसरूफ हैं। मैं मदीने की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ जहन को लगाए हुए हैं। मैं सरकार के जिक्र की बात कर रहा हूँ, सरकार का जिक्र अल्लाह के जिक्र के बाद इस जमीन पर सबसे अफजल जिक्र माना गया है। अल्लाह के अल्लाह पाक ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वरफाना लका जिक्र, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर अल्लाह के जिक्र के बाद सबसे बुलंद और अजीम जिक्र जिनका है वह हमारे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और वही जिक्र करने जा रहा हूँ। दो मिसरे पढ़ता हूँ, दूसरे मिसरे में बुलंद आवाज से सुबहान अल्लाह कहकर मोहतरम वाहिद अंसारी साहब का इस्तकबाल कीजिएगा। मैं नाते पाक के लिए उन्हें आवाज दे रहा हूँ, दुनिया तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है, दुनिया तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मेरे आका का गुलाम अपनी जगह है। दुनिया तेरे शाहों का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मेरे आका का गुलाम अपनी जगह है। बहुत ही अदब के साथ नाते पाक पढ़ने के लिए मोहतरम वाहिद अंसारी साहब माइक। हेलो हेलो, बेस कम कर दो भैया, बेस कम करके हल्का सही को दे दो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है, शोरा की फहरिस्त तवील है, मुझे हुक्म हुआ है कि तीन चार शेर नाते पाक के पढ़ दिए जाएं ताकि बाबरकत आगाज़ इस बज़्म का हो जाए, मुबारक आगाज़ हो जाए। चार मिसरे पढ़ता हूँ, इन चार मिसरों में आपकी शिरकत चाहता हूँ, उसके बाद नाते पाक के दो तीन शेर, इजाज़त मशारे का आगाज़। एक बात अर्ज कर दूँ, रिवायतों में आता है कि अगर कोई शख्स एक मरतबा सुबहान अल्लाह बोलता है तो उसके नामाए आमाल में फौरन 90 नेकियाँ लिख दी जाती हैं। तो जब नाते पाक का कोई मिसरा कोई शेर आप तक पहुँचे तो आप तड़प के सुबहान अल्लाह बोलते हैं। इसमें तीन फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि आपके नामाए आमाल में नेकियाँ लिख दी जाएंगी, दूसरा फ़ायदा यह होगा कि शायर की हौसला अफजाई हो जाएगी, तीसरा फायदा यह है कि इस मुशायरे का माहौल बन जाएगा। तो शुरू करें, जब नाते पाक पढ़े जाए जब तक के नात के शेर पढ़े जाएं, आप सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद करके इस मुशायरे का अच्छा सा माहौल बन जाए और मेरी हौसला अफजाई भी हो जाए। पेश करता हूँ समाज फरमाए, पत्थर वाले और कंकर वाले, सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। पत्थर वाले और कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं, पत्थर वाले और कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू हम लोग मदीने मदीने वाले हैं, मदीने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पहले ही इन चार मिसरों पे इतनी मोहब्बतें मिलेंगी। कुछ लोग संजीदा हैं, मुझे हैरत से तक रहे हैं, वो बाद में देखना कि मैं क्या कर रहा था। इस वक्त मेरा अमल है कि मैं नात के शेर सुना रहा हूँ, आपका रद्द अमल होना चाहिए कि आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। पत्थर वाले और कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं, हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू हम लोग मदीने मदीने वाले हैं, मदीने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, अय्यद मुकम्मल नाते पाक आपकी खिदमत पेश करना था, लेकिन आपने इन चार मिसरों पे इतनी मोहब्बतों से नवाजा। मेरा जी चाहता है एक मतलब आपके लिए पढ़ दूं जी, नाते पाक का एक मतलब आपके लिए पढ़ दूं जी। तो बोले बोले सुभान अल्लाह, वो अपने लिए बाप करम खोल रहा है, आपके लिए पढ़ता हूँ शरीक हो जाए, वो अपने लिए बाप करम खोल रहा है, खोल रहा है। बिल्कुल तैयार रहे, मुझे देखते रहे, दूसरा मिसरा जैसे पढ़ूंगा आपको शरीक होना है। वो अपने लिए बाप करम खोल रहा है, वो अपने लिए बाप करम खोल रहा है, करम खोल रहा है, जो सल्ले अला सल्ले अला बोल रहा है, बोल रहा है, वो अपने लिए बाप करम खोल रहा है, करम खोल रहा है।
सल्ले अला बोल रहा है, बोल रहा है। सुभान शेर पढ़ता हूँ, काफिये की दाद चाहूंगा तमाम दर्शक बैठे हुए शोरा और मेहमानों की शिरकत। ये पहले सब में जितने लोग बैठे हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं शरीक हो जाएं। अमरावती में शेर पढ़ने जा रहा हूँ, काफिये की दाद चाहूंगा। अगर ये इलाका शायरी पसंद करता है, हरफों का अगर आरिफ, अगर इस शायरी की हिफाजत करना जानता है तो मेरे शेर पे कितनी हौसला अफजाई होती है मुझे देखना है। पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए जो सल्ले अला सल्ले अला सुभान बोल रहा है, बोल रहा है। जिसको भी मिली है मेरे आका की गुलामी, 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 आका की गुलामी। वो शख्स हर एक दौर में अनमोल रहा है, अनमोल रहा है। जिसको भी मिली है तेरे आका की गुलामी, आका की गुलामी। वो शख्स हर एक दौर में अनमोल रहा है, अनमोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ले अला बोल रहा है, बोल रहा है। बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर, ज्यादा से ज्यादा तीन से चार मिनट में मेरे सफर का इस नाते बात को मुलतवी करूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मतलब पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। ये मतलब मुझे बताएगा कि इसके बाद के दो शेर मुझे पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि आप अगर मेरी हौसला अफजाई अपने कर दी मतले पे तो मैं पढ़ता हूँ। समाज फरमाए। मिसरा दिया गया था, सलीका चाहिए तैबा की हाजिरी के लिए। एक मिसरा मिला था, सलीका चाहिए तैबा की हाजिरी के लिए। अब मतलब पढ़ता हूँ, ये लोग बैठे हैं शरीक हो जाएं। गुनाहगारों की क्या बात, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की। सुभान अल्लाह, बोले बोले सुभान अल्लाह। गुनाहगारों की, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की, महशर में एक हंसी के लिए। गुनाहगारों की, गुनाहगारों की, महशर में हंसी के लिए। गुनाहगारों की, महशर में हंसी के लिए। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। मतलब अच्छा नहीं था, नाते पाक का मतलब अच्छा लगा नहीं, आपने नहीं बताया। लेकिन अब एक शेर पढ़ता हूँ, काफिये की दाद चाहूंगा, देखता हूँ कौन खामोश बैठता है। शेर पढ़ता हूँ भैया। हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते। आप मुझे देखिए, मुझे देखिए। हुजूर रोते थे, काफिये की दाद चाहूंगा, शेर पढ़ता हूँ। हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए। भैया भैया, दुनिया के सबसे अजीम, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत शख्स का जिक्र कर रहा हूँ। क्या बात, आप मुझसे नजर ना हटाएं, बस इतनी गुजारिश है। हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते थे सलाम दाई हली मातरी गरीबी को, सलाम दाई हली मातरी गरीबी को। चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनको ले लीजिए। हाँ ऊपर आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। भैया भाई, जावेद भाई कहाँ है? जावेद
दोबारा पढ़ते हैं भाई, जब तक नाते पाक पढ़ी जा रही है मैं जावेद भाई से कहूंगा कि आप वहाँ पर रहें ताकि कोई बेअदबी ना हो बार बार उसमें जिक्र सरकार में डिस्टर्ब हो रहा है। तो सलाम दाई हली मातरी गरीबी को चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी दरे रसूल पे। दरे रसूल पे नंबर कब आएगा ना, दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना, खड़े हैं पहले से, खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए, खड़े हैं पहले जिब्रील नौकरी के लिए। हुजूर रोते थे आखिरी शेर, उसके बाद इजाजत। मिसरा दिया गया था सलीका चाहिए तैबा की हाजिरी के लिए, 14 नवंबर को ये मुशायरा था तरही मुशायरा, 15 नवंबर को नेट पे खबर चल रही थी, एक पेशनगोई चल रही थी कि 15 नवंबर के बाद दुनिया में सूरज नहीं निकलेगा, दुनिया अंधेरों में डूब जाएगी वगैरह वगैरह। मैंने एक शेर कहा वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मैं शायर हूँ मेरे पास तो कुछ है नहीं शायरी के अलावा जो मैं आपकी खिदमत में या आपको तोहफा दे सकूं, एक शेर आपको देकर जा रहा हूँ, पेश करता हूँ समाप्त फरमाएं। हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रातों को मती के लिए हुजूर रोते थे ये चांद तारे, क्या बात ये चांद तारे बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना, ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना, अरब का चांद ही, अरब का चांद ही काफी है रोशनी, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए। हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते थे।